हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट एसके आर्या। तो गाइस, फाइनली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलरी शीट की। जी हां, अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे एक अच्छी सी सैलरी शीट बनाना सीखना चाहते हो तो आप एकदम करेक्ट और बहुत ही अच्छे वीडियो पे आए हो। ये पूरा ट्यूटोरियल शुरू से लेकर एंड तक की पूरा देखना ताकि आपको एक एक स्टेप सारा प्रोसेस आपको क्लियर हो पाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वीडियो को मैं पूरा का पूरा हिंदी में बताने वाला हूँ, यानी आपको एक एक टैब, एक एक मेन्यू, एक एक चीज़ जो कुछ भी हम यहाँ पे करेंगे वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ डेटा ले लिया है, यानी सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी ले लिया है और एम्प्लॉय का नाम ले लिया है, डेजिग्नेशन यानी एम्प्लॉय किस पद पे है और बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब होता है कि जैसे 30 दिन अगर आप काम करते हो तो उसकी सैलरी कितनी मिलेगी। देन अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कन्वेंस, जैसे कि बहुत सारी कंपनियाँ हैं कन्वेंस प्रोवाइड करती हैं, हाउस रेंट यानी घर का किराया प्रोवाइड करती हैं, मेडिकल प्रोवाइड करती हैं, इसी के अलावा हम जैसे लिख सकते हैं PF प्रोवाइड करती हैं, है ना। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलाउंस आपको प्रोवाइड करती हैं। मैं यहाँ पे ऊपर वाली सेल को मर्ज कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा पेमेंट अलाउंस लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा बेटर दिखे हमारी शीट। यहाँ पे कर देते हैं पेमेंट अलाउंस, है ना, यानी जो हमारे घरेलू खर्चे हैं या फिर कंपनी जो आपको चीज़ें प्रोवाइड कराती है। तो गाइस, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो फटाफट पहले कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब देखिए, आपको फाइनली करना क्या है, इतनी शीट हमने यहाँ पे कन्फर्म क्लियरली बना ली। सबसे पहले हम अपनी सैलरी शीट में क्या क्या मेन्यूज़ रखने वाले हैं उनको हम यहाँ पे कन्फर्म कर लेते हैं। देखिए, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं ओवर टाइम, यानी अगर कोई एम्प्लॉई ओवर टाइम करेगा तो उसकी सैलरी कैसे निकलेगी। फिर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लीव, अगर वो अवकाश लेता है। देन उसके बाद हम वेजेस, वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी, यानी एक दिन की इनकम उसकी क्या है, मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, डिज़ाइन करने के बाद वेजेस के बाद हम यहाँ निकालते हैं टोटल सैलरी। टोटल सैलरी का मतलब है कि फाइनली अगर कंपनी अलाउंस दे रही है, हाउस रेंट, कन्वेंस, इन सबको मिला के कितना बचेगा, वो टोटल सैलरी है। और नेट सैलरी का मतलब है कि अगर हमारे पास से कोई चीज़ खर्च हो रही है या हमारे अकाउंट से कुछ पैसा डिडक्ट हो रहा है, वो डिडक्ट होने के बाद कितना बचेगा वो हमारा कहलाएगा नेट सैलरी। तो यहाँ से अपने सेल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे ताकि जो छोटी चीज़ें हैं बड़ी हैं, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने हिसाब से मैं इसको कर लेता हूँ एडजस्ट। यहाँ पे एक सेल और ऐड कर देता हूँ मैं बोनस नाम का, यानी कुछ कंपनियाँ हैं आपको पता होगा कि वो बोनस आपको प्रोवाइड कराती हैं, इसे दिवाली होली में, है ना, आपको बोनस देती हैं। मैं इसको वापस से मर्ज अगेन कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ तक कि देखिए सामने सिंपल से शीट दिख रही है, मैं अपनी शीट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ अमाउंट, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर मैनर्स में सारी चीज़ें। यहाँ पर मैं पहले अली रो को कर दूँगा मर्ज और ऊपर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, लिखता हूँ सैलरी शीट बाय, अपने चैनल का नाम लिख देता है यहाँ पे इंजीनियरिंग अड्डा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैं लिख दिया इंजीनियरिंग अड्डा, ठीक है। चलो कोई नहीं, हमारी शीट इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ अपने पैटर्न को, यहाँ से मैं साइज़ बढ़ा लूँगा। देखिए अभी आपको शीट आपको नज़र आ रही होगी, ज़्यादा बड़ी होगी, कोई नहीं, एडजस्ट कर दिया। थोड़ा सा अपनी शीट को यहाँ से जूम कर लेंगे ताकि कुछ चीज़ें जो हैं आपको दिख नहीं रही, इनको मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, सेंटर लाइन कर देता हूँ सारी चीज़ों को, पूरे को सेंटर कर लेते हैं यहाँ से हम फटाफट, और कर देते हैं बोल्ड ताकि थोड़ा सा देखने में हमारी जो शीट है वो अट्रैक्टिव लगे और अच्छी दिखाई दे, है ना। मैंने यहाँ से सिंपल सा कर लिया है। देन अब उसके बाद आपको करना क्या है, मैं आपको एक यहाँ सिंपल सी चीज़ दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं अपनी शीट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर वे में सारी चीज़ें नज़र आ जाएं। अभी आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा, ठीक है। एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको चीज़ें अगर समझ में आई। देखो भाई, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो देखने के बाद ना तो उसे लाइक करते हो ना तो कमेंट करते हो। अगर आपको वीडियो बुरा लगा है तो आप लिटरली, आपको जैसा भी आपको फील आया हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, वीडियो ख़राब था, अच्छा नहीं था, जो अगर आपको समझ ना आया हो अपनी पूरी चीज़ आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हमारे जो फॉलोवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं या हमारे वीडियो देखने वाले जो भी व्यूवर्स हैं, वो हमारे लिए अगर हमारा वीडियो उन तक पहुंच रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उनको अच्छा लगता है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे एक मंथ में 30 डेज़ हैं और उसमें 4 संडे हैं, 4 संडे की सैलरी आपको कंपनी देती है, नहीं देती। सैलरी आपको पे की जाती है 26 डेज़ की, तो मुझे 26 दिन का अगर पैसा निकालना है, 26 दिन की सैलरी यानी हम लेते हैं 10,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये क्या है, 26 दिन का पैसा है, क्लियर हो गया।
तो ये 26 दिन का जो वेजेस होता है, वेजेस का मतलब होता है एक दिन की इनकम, हम ये निकालते कैसे हैं? तो देखिए, जो टोटल सैलरी है, टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज, वर्किंग डेज कितने हैं 26, है ना, ये हम इस तरह से वेजेस को अपने फाइंड कर लेंगे। चलिए हम पूरी एंट्री को यहाँ पे फिल कर लेते हैं, 1, 2, 3 लिखा और इसको सेलेक्ट करके हमने ड्रैग कर दिया। देखिए ऑटोमेटिक सीरीज आ गई। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी कुछ भी दे दूंगा, मान लीजिए एएस, या फिर मैंने यहाँ पे दे दिया एसएस, में कुछ भी सैलरी शीट से लिख देता हूँ, सैलरी शीट 101। इसको हम जैसे ड्रैग करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक एम्प्लॉय आईडी हमारी आ चुकी है। मैं यहाँ पे फटाफट पूरी डिटेल फिल कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ से मैंने वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, मैं फटाफट यहाँ पे डिटेल फिल कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं सारी एंटिटीज़ को मैं यहाँ पे फटाफट फिल कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉई का नाम फिल कर लिया, डेजिग्नेशन फिल कर लिया, यानी उसका पद क्या है, किस पोस्ट के लिए वो है बना हुआ है। वहाँ पे बेसिक सैलरी मैंने सबकी फिल कर दी। यहाँ पे कन्वेंस मैंने अभी सबका जीरो कर दिया। हाउस रेंट क्यों कर दिया जीरो, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको सारी चीज़ें जीरो कर देते हैं। बोनस कंपनी हमें नहीं दे रही है, चाहो तो डिलीट कर दो, या फिर मैंने सबको जीरो कर दिया है। अभी लीव और ओवरटाइम छोड़ देते हैं, हम आते हैं वेजेस पे। देखिए फाइनली ये वेजेस होता क्या है, वेजेस का मतलब मैंने कहा था एक दिन की इनकम। एक दिन की इनकम हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों अगर हमें एक दिन की इनकम फाइंड करना है, यानी वेजेस फाइंड करना है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 26 दिन का जो पैसा है वो 10,000 है। तो मैंने कहा क्या था अभी वेजेस के लिए, आपको बताया था कि वेजेस के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल, देखिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे फंक्शन जो है मैं पुट कर रहा हूँ, ओवर टाइम और लीव से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अभी पहले हम वेजेस को फाइंड करेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे पता होना चाहिए, हर एम्प्लॉई को पता होना चाहिए कि आपकी एक दिन की मार्केट वैल्यू क्या है, यानी एक दिन की इनकम आपकी क्या है। अगर एक दिन आप एबसेंट करते हैं, लीव लेते हैं, तो एक दिन के अनुसार आपका कितना पैसा कंपनी काट लेती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है वेजेस, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लीव और ओवर टाइम आपको समझ में आ रहा होगा, ओवर टाइम जो हम एक्स्ट्रा करेंगे, लीव जो हम अवकाश लेंगे, छुट्टी लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं वेजेस। वेजेस में हमने क्या लिखा, इक्वल, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले E4 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमारी टोटल सैलरी है E4, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया और उसको डिवाइड कर दिया 26 से। देखिए यहाँ पे वेजेस हमारा आ चुका है, इसको हम ड्रैग कर लेंगे। देखिए ऑटोमेटिक हमारा पूरा वेजेस यानी सबके एक दिन की इनकम निकल के यहाँ पे आ चुकी है। अब हम यहाँ पे हम बात करते हैं टोटल सैलरी की। देखिए टोटल सैलरी का मतलब ये है कि फाइनली जो जो चीज़ें हमें मिलने वाली हैं, मिलने वाली मतलब जैसे कंपनी हमको सैलरी पे करेगी यानी बेसिक सैलरी, कन्वेंस दे रही है तो कन्वेंस अलग से देगी, पेट्रोल का पैसा यानी कन्वेंस अलग से देती है, मेडिकल का पैसा, हाउस रेंट, जो भी चीज़ें कंपनी हमें अलग से प्रोवाइड करती है, आपका सैलरी प्लस जो अलाउंस होता है कंपनी आपको अगर अलग से प्रोवाइड कर रही है, तो सैलरी के साथ ही वो अलग से चीज़ें ऐड होके मिलती हैं। मान लीजिए टोटल अलाउंस है आपका 6,000 रुपये, सैलरी है 10,000 रुपये, तो आपको टोटल सैलरी मिलेगी 16,000 रुपये, है ना। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जो जो वैल्यू ऐड करना है, डबल पैरेंथेसिस क्यों लगाया, क्योंकि मुझे बेसिक सैलरी, कन्वेंस, हाउस रेंट, मेडिकल ऐड करना है प्लस बोनस, ऐड कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया। अगेन एक चीज़ और याद रखिएगा, मुझे यहाँ पे ओवर टाइम भी ऐड करना है, इस रीज़न से मैंने यहाँ पे डबल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। वापस से मैं यहाँ पे प्लस के निशान को कॉल करूँगा, ठीक है, फिर एक ब्रैकेट और इंटरनल, एक और ब्रैकेट को यहाँ पे मैं कॉल करूँगा। अब देखिए वेजेस यानी ओवर टाइम को हम कैसे निकालेंगे, ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाय वेजेस, यानी जितने दिन ओवर टाइम करेंगे एक दिन के हिसाब से वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें उतने दिन का पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर उसके बाद क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद हम कर देंगे एंटर। देखिए यहाँ पे सैलरी आ गई 40,000 रुपये। क्यों 40,000 आई, क्योंकि यहाँ पे इनको जो कन्वेंस है कंपनी ने नहीं दिया है, पूरा बैलेंस क्या है, जीरो। सबको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, सबकी सैलरी आ गई। अब मैं यहाँ पे कन्वेंस फिल कर देता हूँ, मतलब कह लीजिए इस कंपनी ने, ये कंपनी जो है, कंपनी एग्जाम्पल के तौर पर रेगुलर का कंपनी आपको दे रही है 20 रुपये, 20 रुपये यानी 20 रुपये मल्टीप्लाई बाय 26 से 26 डेज 520 रुपये हो गया। एक एग्जांपल के तौर पे हम लिख देते हैं कंपनी आपको कन्वेंस प्रोवाइड कर रही है 500 रुपये, 500 रुपये जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल सैलरी में, आप देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गई वैल्यू। हाउस रेंट मैंने कहा कंपनी आपको 1500 रुपये दे रही है, जैसे एंटर किया देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे वैल्यू ऐड हो गई। मेडिकल के लिए कंपनी 500 रुपये दे रही है, ऑटोमेटिक देखिए वैल्यू ऐड हो गई। बोनस अगर कंपनी ने दिया है तो ठीक है, अगर देंगे, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू फिल करूंगा तो ऑटोमेटिक सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब बात आती है नेट सैलरी की। देखिए नेट सैलरी मतलब कट पिट के जो फाइनली आपको हाथ में आएगी वो आपकी कहलाएगी नेट सैलरी, है ना। तो नेट सैलरी में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने लीव की बात की थी ना, ओवर टाइम अगर हम करेंगे तो ओवर टाइम का पैसा हमें मिलेगा। इन सबको मैं जीरो कर देता हूँ। अभी मैं आपको एक सेक्शन दिखा देता हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, चलिए मैं बताता हूँ आपको।
फाइनली मैंने यहाँ पे लिखा नेट सैलरी। नेट सैलरी मतलब टोटल सैलरी जो मुझे मिलने वाली है, टोटल सैलरी एक और ब्रैकेट इसके अंदर लगाएंगे, टोटल सैलरी सेलेक्ट किया माइनस। अब आपका घटने क्या क्या वाला है वो हम घटाएंगे, माइनस किया, माइनस हमने क्या कर दिया, पीएफ घटने वाला है, माइनस एक और माइनस लगाया इंटरनल। अब आपका क्या घटेगा, लीव मल्टीप्लाई बाय वेजेस, जितने दिन की आप लीव लोगे उसके हिसाब से आपका दिहाड़ी का इनकम कट जाएगा। हमको ब्रैकेट क्लोज कर देना, उसके बाद एंटर करेंगे। देखिए हमारे नेट सैलरी आ चुकी है। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए ये यूज़र है, इसका पीएफ कट गया 1200 रुपये, देखिए ऑटोमेटिक 1200 रुपये यहाँ मतलब डिस्काउंट हो गए हैं। 4 दिन की लीव लेता है, 4 दिन के हिसाब से इसका पैसा यहाँ पर डिडक्ट कर दिया गया है ना। मैं सबको ड्रैग कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू फिल कर दूँ सबकी ऊट पटांग, कोई भी मैं वैल्यू फिल कर दूँ, देखिए हमारी शीट ऑटोमेटिक प्रॉपर डायनेमिक वे में प्रॉपरली वर्क कर रही है। हमने एक बार फंक्शन फॉर्मूला की मदद से अपनी एक बहुत ही अच्छी और प्रोफेशनल लेवल की शीट बना दी है, और ये ऑटोमेटिक देखिए पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर रही है, हमें कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए उन्होंने लीव ले ली 0 0, सबको मैंने 0 कर दिया है, यहाँ पे 2 कर दिया, देखिए 2 के हिसाब से उन्होंने माइनस कर दिया, 6 लीव ले ली, उसके हिसाब से पैसा घटा दिया 0 0, है ना। अगर ये ओवर टाइम कर देता है एक सेक्शन चला, यदि 2 दिन की लीव ली है, अगर मैं 2 दिन का यहाँ पे ओवर टाइम दिखा दूँ, इक्वल होगी इनकी सैलरी है 25,000, देखिए 25,000 इक्वल आ गया, यानी हमारे जो शीट का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो गाइस अगर वीडियो अभी तक आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ में आया, तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दो, दबा के अच्छा सा एक बढ़िया सा कमेंट कर दो। चलो अपनी शीट को मैं यहाँ पे कलरफुल कर लेता हूँ, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देता हूँ अपनी शीट पर, यहाँ पे मैं फटाफट यहाँ पे कर लेता हूँ कलर, ताकि और भी अट्रैक्टिव दिखाई दे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अपनी शीट को नॉर्मल बैकग्राउंड कलर दे दिया है, और हमारी शीट देखने में वाकई बहुत ही अच्छी लग रही है, और एकदम प्रोफेशनल वे की शीट लग रही है, यानी लग रहा है कि किसी प्रोफेशनल बंदे ने ये शीट को तैयार किया है। और कंपनीज़ में ऐसी ही सैलरी शीट की डिमांड होती है, अगर आपको ये आ गया है तो आप किसी भी कंपनी में एक एज अ अकाउंटेंट आप काम कर सकते हो, किसी भी शीट को तैयार कर सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।